गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू लक्ष्य क्लासेस। चलिए, हम कुछ टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जिसके अंदर हम सेल टिश्यू कंप्लीट कर चुके थे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो भी टॉपिक कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेके चलते हैं बॉडी फ्लूइड की पल्स, हमारे शरीर के अंदर कितना फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो नाउ वी आर मूविंग टूअर्ड द टूडेज टॉपिक। आज हम हमारे नए टॉपिक की तरफ मूव करते हैं और नया टॉपिक है हमारा बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड। सो बॉडी फ्लूइड, आज हम बात करेंगे बॉडी फ्लूइड के बारे में। बॉडी फ्लूइड मतलब कि मानव शरीर के अंदर कितना फ्लूइड प्रेजेंट होता है, मानव शरीर में कितना फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो मानव शरीर में 60% ऑफ 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट हमारे वजन का 60% पानी होता है। मानव शरीर में कितना वजन का 60%। अब वजन का 60% की बात करें तो जैसे अगर किसी व्यक्ति का 100 किलो वजन है तो उस व्यक्ति के अंदर समझिएगा, उस व्यक्ति के अंदर कितना, तो लगभग 60% मतलब अप्रॉक्स 60 लीटर पानी होता है। तो हड्डियों का और ये वजन तो लगभग मसल्स और हड्डियां तो 40 किलो रह गए। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर में कितना फ्लूइड प्रेजेंट होता है, वजन का 60% फ्लूइड मानव शरीर में प्रेजेंट होता है। ये तो एक मैंने एक सामान्य वयस्क व्यक्ति की बात करी, सामान्य वयस्क मतलब एडल्ट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर कितना होता है, 60%। अब अगर हम बात करें न्यूबोर्न्स नियोनेट्स के अंदर, नियोनेट की बात करें तो नियोनेट में कितना होता है, ओल्डर एडल्ट में बूढ़े लोगों में कितना होता है जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर है, 60 ईयर से ऊपर है, ऐसे व्यक्ति के अंदर जिसे हम कहते हैं 60 साल से ऊपर वाले में 55% ऑफ टोटल बॉडी वेट का लगभग कितना, तो मैंने बताया कि जितना उसका वजन है उसका 55% पानी किसमें होता, ओल्डर एडल्ट में बूढ़े लोगों के अंदर, है ना। बुढ़ापे में कितना हो जाता है, तो यही वजन हो जाता है 55%, सॉरी फ्लूइड जो है वो 55% हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो न्यूबोर्न न्यूनेट के अंदर जो बच्चे हैं उन बच्चों में कितना होता है, बच्चों में कितना होता है, तो उनके वजन का लगभग 80%, कितना वजन का 80% पानी होता है कुल वजन का। सपोज करिएगा किसी बच्चे का अगर वजन 10 किलो है तो उसके अंदर लगभग 8 लीटर पानी होगा। तो ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे, कुल वजन का आपका 80% पानी होता है। तो यहाँ पर तीन बेसिक बातें कौन सी बोली, तो पहला एक नॉर्मल व्यक्ति में कितना होता है, कुल वजन का 60% पानी होता है। बुढ़ापे में 60 साल से ऊपर की उम्र में कितना होता है, तो 60 साल से ऊपर की उम्र में 55% होता है। और अगर हम बात करें किसकी, बच्चों के अंदर अभी अभी जो जन्मे हैं बच्चे उनकी बात करें तो उनमें उनके कुल वजन का 80% पानी होता है। ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ आईवी फ्लूइड, जो बॉडी फ्लूइड है उसको क्लासिफिकेशन देखते हैं, वर्गीकरण की बात करें तो बॉडी फ्लूइड को, मानव शरीर में जो फ्लूइड है उसको बेसिकली दो भागों में बांटा गया है।
दो भाग कौन कौन से हैं? तो दो भाग समझिएगा, एक तो है आपका एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड और एक है आपका इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड। एक है आपका इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्युलर, ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, और एक है आपका इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड, दूसरा है आपका आईसीएफ मतलब इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड, इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड। सेल के अंदर इंट्रा सेल्युलर, सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेल्युलर। फ्लूइड जो सेल के अंदर है, फ्लूइड जो कोशिका के अंदर है वो से हम क्या कहते हैं, द्रव्य जो कोशिका के अंदर है, फ्लूइड, फ्लूइड विद इन सेल। तो हम यहां बात करें जो फ्लूइड सेल के अंदर है, फ्लूइड विद इन सेल, सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसे हम कहते हैं इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड का मतलब क्या है, व्हाट इज द एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड? तो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड की बात करें तो ऐसा फ्लूइड जो सेल के बाहर होता है, ऐसा फ्लूइड जो सेल के बाहर होता है, फ्लूइड प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। फ्लूइड जो सेल के बाहर है, फ्लूइड प्रेजेंट आउटसाइड द सेल, फ्लूइड प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। जो फ्लूइड सेल के बाहर है उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। इंट्रा सेल्युलर सेल के अंदर, एक्स्ट्रा सेल्युलर सेल के बाहर। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर हम बात करें कितना फ्लूइड सेल के अंदर होता है, कितना फ्लूइड सेल के बाहर होता है, बहुत प्यारा सवाल। अगर हम बात करें जितना फ्लूइड बॉडी के अंदर है उसका 2/3, 2/3 तो सेल के अंदर होता है और 1/3 सेल के बाहर होता है। 1/3, 1/3 ईसीएफ होता है, 2/3 आईसीएफ होता है। या कह दो, या जो मैंने बताया बॉडी फ्लूइड का, बॉडी फ्लूइड का कितना, जितना फ्लूइड है उसका 30%, 1/3 कितना हो गया, लगभग 33% है ना, और 2/3 66%। पर हम अगर बात करें तो 30 और 70 का रेशो आप याद रखें, 30% ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड, टोटल बॉडी फ्लूइड। यहां दो बातें लिखूंगा जो बड़ी कंफ्यूजन कई बार स्टूडेंट को लगती है। टोटल बॉडी फ्लूइड का लगभग 30% बच्चों क्या होता है, तो 30% ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड जो हमारे फ्लूइड है उसका 30% केवल ईसीएफ होता है। बचा हुआ जितना फ्लूइड है 70% फ्लूइड, मेरे पास अगर 5 लीटर फ्लूड है तो 5 लीटर का 30% तो आपका 1.5 लीटर ईसीएफ होगा और बचा हुआ 3.5 लीटर आईसीएफ होगा। ये एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। तो 70% ऑफ टोटल बॉडी फ्लूड, यहां देखिएगा टोटल बॉडी फ्लूड, मेरे पास 100% फ्लूड है तो उसका 30% और 70% किया। लेकिन यही वेट के रेस्पेक्ट में बात करूं, वेट के रेस्पेक्ट में बात करूं तो देखिए हमारा टोटल फ्लूड कितना था, 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट। बॉडी वेट का वेट के अकॉर्डिंग जो पूछे अगर क्वेश्चन, तो यहां आंसर बदल जाता है। हाउ मच ईसीएफ प्रेजेंट ऑफ टोटल बॉडी वेट, टोटल बॉडी वेट का कितना ईसीएफ प्रेजेंट होता है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया तो आपको याद रखना है इस 60 का आपको 30% निकालना है, तो यहां आपका जवाब हो जाएगा 18% ऑफ टोटल बॉडी वेट। टोटल बॉडी वेट का लगभग 18% ईसीएफ होता है। अब बचा कितना, 60 में से 18 गया तो 42%, 42% ऑफ टोटल बॉडी वेट। कुल मिला के जो वजन है, वजन का 42%, 42% हमारे वजन का 42% तो आईसीएफ होता है और हमारे वजन का 18% ईसीएफ होता है। ठीक है, फ्लूड की बात करें तो जितना शरीर में फ्लूड है उसका 30% फ्लूड ईसीएफ में होता है, जितना बॉडी में फ्लूड है उसका 70% फ्लूड आईसीएफ में होता है। तो ये दोनों बातें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में पूछी एक क्वेश्चन जरूर आता है इस बॉडी फ्लूड से रिगार्डिंग।
ठीक है। तो एक नंबर हमें आज पक्का कर लेना है, बॉडी फ्लूइड से आपकी जितनी बातें मैं बता रहा हूँ टू द पॉइंट, वो सारी बातें आपको याद रखनी है। चलो अगली बात की तरफ चलते हैं। अब जो बात करेंगे, सेल के अंदर वाला फ्लूइड डिवाइड नहीं होता है, लेकिन जो सेल के बाहर फ्लूइड है वो अलग अलग भागों में डिवाइड होता है। अब अगर हम बात करें ECM, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, हम बात करें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ऐसा फ्लूड जो सेल के बाहर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड जो सेल के बाहर है, ये फ्लूड कितना है, ये फ्लूड जो मैंने बात करी, ये जो फ्लूड है वो आपका कितना है, तो ECF जो है वो लगभग 30% ऑफ टोटल बॉडी फ्लूड। टोटल बॉडी फ्लूड का मानव में जितना फ्लूड है उसका 30% आपका ECF होता है। अब इस फ्लूड को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ये जो फ्लूड है वो आपका तीन भागों में डिवाइड है। तीन भाग कौन कौन से, ECF के, ECF को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। ये जो 30 है, एक है आपका इंट्रावास्कुलर फ्लूड, एक है इंटरस्टिशियल फ्लूड, इंटरस्टिशियल फ्लूड, इंटरस्टिशियल फ्लूड, इंटरस्टिशियल फ्लूड। अब आप कहेंगे सर इंटरस्टिशियल फ्लूड क्या होता है, जिसको अक्सर हम थर्ड स्पेसिंग भी कह देते हैं, अक्सर हम थर्ड स्पेसिंग भी कह देते हैं, थर्ड स्पेस, इसे हम थर्ड स्पेस भी कह देते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। दूसरा जो फ्लूइड है वो है आपका इंट्रावास्कुलर फ्लूइड, सेकेंड वन इज योर इंट्रावास्कुलर फ्लूइड। इंट्रावास्कुलर से क्या समझते हैं, इंट्रावास्कुलर फ्लूइड ऐसा फ्लूइड जो वेसल्स में, जो हमारी ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज है, वीन्स है, तो ब्लड वेसल्स के अंदर है, ऐसा फ्लूड हमारा इंट्रावास्कुलर फ्लूड है। तीसरा जो फ्लूड है दैट इज प्रेजेंट इन बॉडी कैविटीज, जिसको हम कहते हैं ट्रांससेलुलर फ्लूड, ट्रांससेलुलर फ्लूड जो आपका प्रेजेंट होता है कहाँ पर, बॉडी कैविटीज के अंदर, जैसे आपका एग्जाम्पल है साइनोवियल फ्लूड, है ना, स्पाइनल फ्लूड। तो अब यहाँ पर याद रखना है ट्रांससेलुलर फ्लूड, इंट्रावास्कुलर फ्लूइड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड मतलब कि सेल के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ये आपका इंटरस्टिशियल स्पेस है, फ्लूइड प्रेजेंट ये इंटरस्टिशियम है, ठीक है, फ्लूइड प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियम इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, फ्लूइड प्रेजेंट इन, फ्लूइड प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियम, फ्लूड प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियम, इंटरस्टिशियम में जो फ्लूड प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूड। नेक्स्ट इंट्रावास्कुलर फ्लूड, इंट्रावास्कुलर का मतलब है ऐसा फ्लूड जो कहाँ प्रेजेंट है, विद इन ब्लड वेसल, ऐसा फ्लूड जो ब्लड वेसल्स के अंदर, जो धमनियों और शिराओं के अंदर प्रेजेंट है, फ्लूड जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट है, धमनियों और शिराओं में, तो फ्लूइड प्रेजेंट इन ब्लड वेसल, फ्लूइड प्रेजेंट इन ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल्स के अंदर है, धमनियों में, शिराओं में, ऐसे फ्लूइड को अपन बोलते हैं क्या, इंट्रावास्कुलर फ्लूइड। नेक्स्ट ट्रांससेलुलर फ्लूइड, ट्रांससेलुलर से क्या समझते हैं, ऐसा फ्लूइड जो बॉडी कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, तो फ्लूइड प्रेजेंट इन अ बॉडी कैविटी, फ्लूइड प्रेजेंट इन अ बॉडी कैविटी, फ्लूइड प्रेजेंट इन बॉडी कैविटी, ऐसा फ्लूइड जो बॉडी कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं ट्रांससेलुलर फ्लूइड। एग्जांपल जैसे कि आपका साइनोवियल फ्लूइड, एग्जांपल बात करें तो ये आपका साइनोवियल फ्लूइड। अब समझिएगा इस 30% को हम डिवाइड करें तो इंटरस्टिशियम के अंदर होता है आपका 22%, इंट्रावास्कुलर के अंदर होता है 6%, 6% और ट्रांससेलुलर होता है आपका 2%, 22, 6, 28 और 2, 30। तो कुल मिला के जो ECF था हमारा ये कितना हो गया, भागों में डिवाइड कर दिया। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी कि बॉडी फ्लूइड कितना है, फिर उस बॉडी फ्लूइड में एडल्ट में कितना है, ओल्डर एडल्ट में कितना है, और आपका
बच्चों में कितनी है। फिर हमने जो बात करी वो हमने बात करी क्लासिफिकेशन की, ECF, ICF, फिर देखा बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कितना है, बॉडी फ्लूइड के अकॉर्डिंग कितना है। उसके बाद जो बात करी हमने दैट इज़ क्लासिफिकेशन की बात करी। और क्लासिफिकेशन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्या, सिंपल सी बातें एक्सप्लेन करी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ECF के अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंट्रावास्कुलर फ्लूइड एंड ट्रांसवेनस फ्लूइड। ये जो बातें करी मैंने, ये बातें करी आपकी रिगार्डिंग बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड की रिगार्डिंग, और ये बॉडी फ्लूइड का मैंने क्लासिफिकेशन बता दिया। ठीक है, अब जो बात करेंगे हम वो बात करेंगे ऑस्मोलरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड। अगर हम बात करें ऑस्मोलरिटी, ऑस्मोलरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड, ऑस्मोलरिटी, देखिए दो वर्ड है, ऑस्मोलरिटी एंड ऑस्मोलरिटी, दूसरा है आपका ओस्मोलालिटी, ओस्मोलालिटी। ये दो शब्द समझिएगा, एक है ऑस्मोलरिटी और एक है ओस्मोलालिटी, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ऑस्मोलरिटी और ओस्मोलालिटी। अब यहाँ पर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर हम मैं बात करूँ एक लीटर पानी में कितने आयंस घुलते हैं, नंबर ऑफ या कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन वन लीटर ऑफ वाटर, एक लीटर में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वो तो होगी ऑस्मोलारिटी। लेकिन अगर मैं बात करूँ ऑस्मोलालिटी, तो यहाँ पर आपको जो बात ध्यान रखनी है वो याद रखनी है, एक किलो पानी में कितने आयंस प्रेजेंट है। तो जब लालिटी और लारिटी, बस इतना सा याद रखना, नंबर ऑफ आयंस या कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की जो कॉन्सेंट्रेशन है कितने में पर लीटर, उसको तो हम बोलेंगे ऑस्मोलरिटी। लेकिन यही बात पूछी जाए ऑस्मोलालिटी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल पर किलोग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं क्या, ऑस्मोलालिटी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ऑफ मॉलिक्यूल पर किलोग्राम ऑफ वाटर, पर किलोग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, एक लीटर के रेस्पेक्ट में बात करें, एक किलो के रेस्पेक्ट में बात करें, दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट हैं। किलो के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो उसको ऑस्मोलालिटी बोल देते हैं, और अगर हम लीटर के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो लारिटी बोल देते हैं। ठीक है, अब अगली बात सुनिएगा, जो मैंने बात करी ऑस्मोलरिटी, ऑस्मोलरिटी, तो अब आप देखिएगा कि हम बात करें कितना कॉन्सेंट्रेशन, कितनी ऑस्मोलरिटी फ्लूड की होती है। तो ऑस्मोलरिटी ऑफ बॉडी फ्लूड, मैं पर लीटर के रेस्पेक्ट में बात करूँगा, ऑस्मोलरिटी ऑफ बॉडी फ्लूड, ऑस्मोलरिटी, समझिएगा इसको, इस बात को, ऑस्मोलरिटी। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनता है, अब वो क्वेश्चन क्या बनता है वो भी देखिएगा। ऑस्मोलरिटी की बात करें तो यहाँ बच्चा जो बात आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एक तो है ECF और एक है ICF। अगर आपको ECF की बात करें, ECF, तो दैट इज ECF की बात करें तो ये लगभग 308 मिलीओस्मोल पर लीटर, 308 मिलीओस्मोल पर लीटर। और यही ICF की बात करें, ICF मतलब इंट्रासेल्युलर, ICF की बात करें तो यही आपका 400 मिलीओस्मोल पर लीटर। ठीक है, 400 मिलीओस्मोल पर लीटर। ये मैंने आपको जो बात बताई, ये क्या बताई, ये कि एक लीटर में कितने आयंस ECF में होते हैं, एक लीटर में कितने आयन ICF में होते हैं। अब ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें एवरेज ऑस्मोलरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड, एवरेज ऑस्मोलरिटी, एवरेज ऑस्मोलरिटी ऑफ ब्लड, ब्लड की अगर हम एवरेज ऑस्मोलरिटी की बात करें, तो ब्लड की जो एवरेज ऑस्मोलरिटी है, क्योंकि जो है वो कितनी है, तो दैट इज वो समझिएगा 270 से 310 मिलीओस्मोल पर लीटर। और सबसे ज़्यादा जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव में जो पूछी गई है वो यही पूछी गई है, वेरी इंपॉर्टेंट,
और ये आपके छपने वाला क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार कॉम्पिटिटिव के अंदर पूछा गया है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे कि ऑस्मोलिटी ऑफ ब्लड या बॉडी फ्लूड की एवरेज ऑस्मोलिटी कितनी है, 270 से 310। जो फ्लूड इसके इक्विवेलेंट है वो आइसोटोनिक, जो फ्लूड इसके इक्विवेलेंट नहीं है वो या तो कम है या ज़्यादा है, कम है तो हाइपोटोनिक, ज़्यादा है तो हाइपोटोनिक। इसी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, तो ऐसा फ्लूड जिसकी ऑस्मोलरिटी बॉडी फ्लूड के इक्विवेलेंट हो, ऐसे फ्लूड्स को हम कहते हैं आइसोटोनिक फ्लूड। जैसे आपका 0.9% NS है, RL है, D5 है, ये आइसोटोनिक में आते हैं। ऐसा फ्लूड जिसकी ऑस्मोलरिटी 270 से कम है उनको हम हाइपोटोनिक कहते हैं, जैसे आपका हाफ NS, ठीक है, 1/3 NS। ऐसा फ्लूड जिसकी ऑस्मोलरिटी 310 से ऊपर है उसको अपन बोलते हैं हाइपरटोनिक फ्लूड। तो हाइपरटोनिक फ्लूड जो है वो आपका कौन से DNS हुआ, D10 हुआ, है ना, उस D20 हुआ, D25 हुआ, हाफ DNS हुआ, ऐसे फ्लूड 3% NS हुआ, 10% NS हुआ, ऐसे सारे फ्लूड जो हैं वो हाइपरटोनिक फ्लूड के अंदर आते हैं। तो ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। और ऐसे एक क्वेश्चन आता है, ये कौन सा आइसोटोनिक है, कौन सा हाइपोटोनिक है और कौन सा हाइपरटोनिक है। अब ये तो समझ में आ गया कि बॉडी फ्लूड की ऑस्मोलिटी कितनी है, 272-310 मिलियोस्मोल पर लीटर। अब आगे बढ़ते हैं, अब जो पूछा जाता है मोस्ट एबंडेंट कैटायन एंड मोस्ट एबंडेंट एनायन, ये क्वेश्चन भी एक पक्के से बनता है, तो यहाँ समझिएगा मोस्ट एबंडेंट कैटायन। पहले बात करेंगे व्हाट इज द कैटायन एंड व्हाट इज द एनायन। कैटायन का मतलब क्या होता है और एनायन का मतलब क्या होता है, तो यहाँ हम केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में जब भी बात करते हैं तो यहाँ समझिएगा कैटायन मतलब धनायन, धनायन मतलब पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन। एक है एनायन, एनायन एनायन को याद रखने का सिंपल सा तरीका ए लिखो और ये अंदर माइनस है, माइनस मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का मतलब है एनायन और एनायन का मतलब ऋणायन, ऋणायन, ऋणायन मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आयन, ठीक है। तो पॉजिटिव आयन कैटायन जो है वो पॉजिटिव है, एनायन जो है वो आपका नेगेटिव है। ये कैटायन और एनायन की बात है। अब बात करते हैं मोस्ट एबंडेंट कैटायन एंड मोस्ट एबंडेंट एनायन, समझिएगा यहाँ पर मोस्ट एबंडेंट कैटायन, मोस्ट एबंडेंट कैटायन इन ECF, ECF के अंदर सबसे एबंडेंट कैटायन कौन सा है, तो आपको सिंपल सी बात याद रखनी है, क्या मोस्ट एबंडेंट कैटायन, तो मोस्ट एबंडेंट कैटायन में जो बात आपको याद रखनी है पॉजिटिव आयन वो कौन सा है, तो आप याद रखेंगे एक्स्ट्रा सॉल्ट, और एक्स्ट्रा सॉल्ट छोटी सी ट्रिक याद रखेंगे, मतलब एक्स्ट्रा सॉल्ट से आपका एक कंसेप्ट क्लियर होगा, एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर और सॉल्ट मतलब NaCl, बस NaCl, Na जो है वो पॉजिटिव आयन है, Cl जो है वो Na जो है पॉजिटिव, Cl नेगेटिव आयन। ये छोटी सी बात याद रखेंगे, एक्स्ट्रा सॉल्ट मतलब एक्स्ट्रा सोल्यर में NaCl ज़्यादा होता है। पॉजिटिव आयन की बात करें कौन सा, सोडियम, नेगेटिव आयन की बात करें कौन सा, क्लोराइड। तो यहाँ पर मोस्ट एबंडेंट कैटायन ECF, तो वो जवाब आपका क्या मिल गया यहाँ पर आपसे, सोडियम मिल गया आपको जवाब, ये मिल गया आपको सोडियम। लेकिन अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन किया जाता है मोस्ट एबंडेंट एनायन, सब दूसरा क्वेश्चन आपसे किया जाता है मोस्ट एबंडेंट एनायन, चलिए इसका जवाब आपको मिलेगा, चार पॉइंट लिख रहा हूँ, चारों के चार बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको छपने वाला है, मोस्ट एबंडेंट एनायन इन ECF, ECF के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड के अंदर सबसे एबंडेंट, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एनायन कौन सा है, तो मैंने आपको याद करवाया एक्स्ट्रा सॉल्ट, तो यहाँ पर याद रखेंगे जवाब होगा आपका क्लोराइड। चलिए बातें ख़त्म हुई ECF की, बातें ख़त्म हुई ECF की, अब आते हैं हम ICF पे, अब जो बातें आते हैं ICF पे, और ICF में समझिएगा बस, जो मोस्ट एबंडेंट एनायन इन ECF, मोस्ट एबंडेंट एनायन इन ECF, ECF के अंदर सबसे एबंडेंट एनायन
कौन सा है? तो यहां पे समझिएगा, मोस्ट एबंडेंट एनायन इन ईसीएफ। चलिए पहले कैटायन लिख लो, उसके बाद एनायन लिखेंगे। मोस्ट एबंडेंट कैटायन सीक्वेंस आपकी सही रहेगी, मोस्ट एबंडेंट कैटायन इन ईसीएफ। ईसीएफ की बातें खत्म हुई, अब आते हैं अपन ईसीएफ पे। ईसीएफ का मतलब क्या है? इंट्रासेल्यूलर। और इंट्रासेल्यूलर में कौन सा आयन प्रमुखता से पाया जाता है? सेल के अंदर, सेल के बाहर सोडियम, सेल के अंदर आपको याद रखना है क्या होगा जवाब आपका? पोटेशियम। पोटेशियम, पोटेशियम। अब आते हैं एनायन पे। मोस्ट एबंडेंट एनायन, मोस्ट एबंडेंट एनायन इन ईसीएफ। ईसीएफ के अंदर मोस्ट एबंडेंट एनायन कौन सा है? तो बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर आप याद रखेंगे फॉस्फेट एंड सल्फेट, फॉस्फेट एंड सल्फेट। ठीक है, तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, फॉस्फेट एंड सल्फेट। तो ये हुए आपके चार क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप एनएचएम मान ले, चाहे आप नॉर्सेट मान ले, चाहे जिपमेल, ईसीएफ, ईएसआईसी, रेलवे, इन चार पॉइंट में से एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, मोस्ट एबंडेंट कैटायन, मोस्ट एबंडेंट एनायन। बस ध्यान में रखना है ईसीएफ पूछा है या ईसीएफ पूछा है। बस अगर ये बात क्लियर हो गई हमारी तो हमारा आंसर बिल्कुल आसान है। ये बच्चों आप समझ गए होंगे, मोस्ट एबंडेंट कैटायन एंड मोस्ट एबंडेंट एनायन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए तो हमने बात करी बॉडी फ्लूइड की, बॉडी फ्लूइड के बाद हमने बात करी बॉडी फ्लूइड का क्लासिफिकेशन, बॉडी फ्लूइड का क्लासिफिकेशन के बाद मैंने जो बात करी वो बात करी किसकी? दैट इज अबाउट मोस्ट एबंडेंट कैटायन एंड मोस्ट एबंडेंट एनायन। चलिए अब लेके चलता हूँ फ्लूइड वॉल्यूम बैलेंस। अगला जो भाग है दैट इज फ्लूइड वॉल्यूम बैलेंस, हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम बैलेंस कैसे होता है? यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है फ्लूइड वॉल्यूम बैलेंस, फ्लूइड वॉल्यूम बैलेंस। अब फ्लूइड वॉल्यूम बैलेंस को समझिएगा, पहले बैलेंस को समझेंगे फिर इम्बैलेंस को समझेंगे। ठीक है, पहले बात करेंगे इक्वल बैलेंस, पहले इंटेक देख लेते हैं फिर आउटपुट देख लेते हैं फिर बात करेंगे। चलिए पहले बात करेंगे हम इंटेक की, समझते हैं इंटेक को फिर आउटपुट की। इंटेक मतलब हम एक दिन में कितना पानी डिफरेंट मोड से लेते हैं, हमारे शरीर में पानी डिफरेंट मोड से कहाँ कहाँ से आता है वो बात करते हैं। चलिए सबसे पहली बात को लेकर चलते हैं, सबसे पहली प्रमुख बात है वाटर इंटेक। पानी हम जो शुद्ध पानी पीते हैं दिन में लगभग 1200 से 1500 में, प्योर जो पानी पीते हैं पानी के रूप में लेते हैं, तो पानी हम कितना लेते हैं, वाटर इंटेक हमारा कितना है 1200 से 1500 में। वाटर इंटेक बच्चों समझिएगा 1200 से 1500 एमएल, ये तो हमारा हो गया वाटर इंटेक। ठीक है, ये हमारा हुआ वाटर इंटेक। इसके अलावा हम किस रूप में लेते हैं? इसके अलावा जो हम खाना खाते हैं, है ना, और खाने में हम दाल भी लेते हैं, छाछ भी लेते हैं, राइट ना। तो छाछ, दाल, ये सारी जो बातें हैं जो लेते हैं, ये चीज़ें कहाँ से? तो दैट इज दूसरा जो पॉइंट है, दैट इज व्हाट, फ्लूइड फ्रॉम फूड, फूड से जो लेते हैं वो, फ्लूइड फ्रॉम फूड, खाने के साथ हम जो फ्लूइड लेते हैं वो हम लेते हैं लगभग कितना, 800 से 1100 ml पर डे। ये जो बात कर रही है वो हम बात कर रहे हैं पर डे के रेस्पेक्ट में, ये ध्यान रखिए, एक दिन की बात कर रहा हूँ मैं, एक दिन में। तो यहाँ पे याद रखिएगा क्या, फ्लूइड फ्रॉम फूड ये हमारा है 800 से 1100 ml।
और बच्चों फाइनली आपने देखा होगा बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है और मेटाबॉलिज्म से C6H12O6 ये जो ग्लूकोज है दैट फाइनली कन्वर्ट्स इनटू द CO2+H2। ये CO2 और H2O में कन्वर्ट होता है। ये जो H2O है वाटर है, ये जो H2O है वाटर है, वो वाटर आपका पर डे मेटाबॉलिज्म से कितना आता है, दैट इज योर 300 ml, 300 ml। तो तीसरा है फ्लूड फ्रॉम मेटाबॉलिज्म, फ्लूड फ्रॉम मेटाबॉलिज्म, फ्लूड जो कि मेटाबॉलिज्म से आता है वो कितना है, तो वो आप याद रखेंगे दैट इज योर 300 ml एक दिन के अंदर। तो एक दिन में हमारा टोटल इनटेक कितना हुआ, तो देखिए 1200, 800, 2000, 300, 2300, 1500, 1100, 2600, 2700, 2800, 2900, तो 2300 से 2900 ml एवरेज हमारा इनटेक होता है। तो यहां समझिएगा टोटल जो इनटेक है वो हमारा 2300 से 2900 ml होता है। ठीक है बुद्धिजीवियों, तो ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे कि 2300 से 2900 ml हमारा एवरेज इनटेक होता है। अब बात करते हैं आउटपुट की। अब जो दूसरी बात करूंगा मैं, दैट इज अबाउट आउटपुट। आउटपुट मतलब फ्लूड जो बाहर निकलता है, और इनटेक से भले आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा लेकिन आउटपुट से जरूर पूछेगा। एक क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है वो मैं अभी बताऊंगा, वो क्वेश्चन पूछा जाता है, चलिए समझिएगा। आउटपुट की बात करें वो भी पर डे एक दिन में, तो यूरिन की बात करें यूरिन 1500 ml, यूरिन 1500 ml, यूरिन के रूप में यूरिन कौन बनाता है, किडनी, 1500 ml पर डे। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इस इनटेक आउटपुट बढ़ाने का जो मेन उद्देश्य है, दैट इज इनसेंसिबल वाटर लॉस। यूरिन पास होता है हमें पता होता है, यूरिन पास होता है, स्टूल पास करते हैं सेमी सॉलिड होता है हमें पता होता है, लेकिन जो स्किन से पर डे लॉस हो रहा है, जो लंग्स के थ्रू इंच ब्रीथ के साथ लॉस हो रहा है, वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट फ्लूड। वो हमारी बॉडी से लॉस हो रहा है बट हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है, और जिस फ्लूड जो लॉस हो रहा है और जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, दैट इज कॉल्ड इनसेंसिबल वाटर लॉस। उसको बच्चों क्या कहते हैं, इनसेंसिबल वाटर लॉस कहते हैं। एंड इनसेंसिबल वाटर लॉस कई एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस भाग से, दैट इज योर इनसेंसिबल वाटर लॉस, कौन सा है, इनसेंसिबल वाटर लॉस। तो अगला समझिएगा इनसेंसिबल वाटर लॉस, इनसेंसिबल वाटर लॉस। अब आप कहेंगे कि सर इनसेंसिबल वाटर लॉस किस किस से होता है, पहला स्किन और दूसरा लंग्स, दो चीजें हैं, दो पार्ट है बॉडी के जो इनसेंसिबल वाटर लॉस के लिए जिम्मेदार होते हैं। पहला जवाब है आपका स्किन और दूसरा है आपका लंग्स। स्किन मतलब त्वचा, लंग्स मतलब फेफड़े, लंग्स मतलब फेफड़े। स्किन से कितना निकलता है, तो लगभग 600 से 800 ml, 600 to 800 ml, और लंग्स से कितना निकलता है, तो 400 to 600 ml। अब आपको जो याद रखना है वो याद रखना है मिनिमल वैल्यू, पर डे पूछा जा सकता है, तो आपको एक चीज याद रखना है, पर डे 1 लीटर 1000 से 1400 ml इतना आपका इनसेंसिबल वाटर लॉस होता है। ये आपका इनसेंसिबल वाटर लॉस है 1000 से 1400 ml। बट आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर करना है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है आपका 20 ml, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर 1 लीटर पर डे 1 लीटर इनसेंसिबल वाटर लॉस होता है। और ये आपको अच्छे से याद रखना है, कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज योर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे ज़्यादा सही जवाब 1 लीटर ही आपको याद रखना है। अगर स्किन और लंग्स नहीं डिफाइन किया है इनसेंसिव, वैसे स्किन और लंग्स 99% डिफाइन नहीं करेगा, एग्जामिनर आपसे सीधा ही जवाब चाहता है
कि एक दिन के अंदर इनसेंसिटिव वाटर लॉस कितना होता है, एक दिन 1 लीटर, बस ये कंसेप्ट, वन वन की थ्योरी याद रखनी है, एक दिन में 1 लीटर इनसेंसिबल वाटर लॉस होता है। चलिए अगली बात समझिएगा, तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पहला यूरिन, दूसरा इनसेंसिबल से 1000 से 1400 ml, और अंतिम जो है वो स्टूल। स्टूल की बात करें, स्टूल मल जिसको आप कहते हो, स्टूल सेमी सॉलिड होता है और इससे हम मान सकते हैं 100 ml, 100 ml। अब समझिएगा टोटल आउटपुट कितना हुआ, टोटल आउटपुट तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 1500 और 1000, 2500 और 100, 2600, 1500, 1400, 2900 और 100, 3000 ml। तो 2600 से 3000 ml इज वॉट, ये आपका टोटल आउटपुट होगा। तो लगभग लगभग एवरेज इनटेक और आउटपुट लगभग आपका बराबर बराबर होता है। चलिए बॉडी फ्लूड, चले फिर बात करें हमने फ्लूड बैलेंस की। फ्लूड बैलेंस में अभी जो मैंने बताया वो होता है इनटेक वर्सेस आउटपुट। इनटेक कितना, इनटेक से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आउटपुट में आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बनेगा। तो ये क्वेश्चन आपका छपने वाला क्वेश्चन है बच्चों, तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब आते हैं अपन इसके बैलेंस की बात करें, तो एक तो होता है इक्वल बैलेंस, एक होता है नेगेटिव बैलेंस और एक होता है पॉजिटिव बैलेंस। तीन बैलेंस देख लेते हैं। पहली जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे इक्वल बैलेंस की। पहली जो इंपॉर्टेंट बात, इक्वल बैलेंस, इक्वल बैलेंस की बात करूं मैं, इक्वल बैलेंस, इक्वल बैलेंस से क्या तात्पर्य, अगर टोटल इनटेक और टोटल आउटपुट दोनों बराबर हो, क्या इनटेक और आउटपुट दोनों बराबर हो तो उसको बोलते हैं इक्वल बैलेंस। टोटल इनटेक बराबर टोटल आउटपुट, जितना एक दिन के अंदर हमने लिया उतना ही निकाल दिया तो उसको बोलते हैं इक्वल बैलेंस। अगला पॉजिटिव बैलेंस, व्हाट इज द पॉजिटिव बैलेंस, नेक्स्ट समझिएगा पॉजिटिव बैलेंस। अगली जो इंपॉर्टेंट बात चली वो है पॉजिटिव बैलेंस की। पॉजिटिव बैलेंस का मतलब है कि फ्लूड बॉडी के अंदर ज्यादा रहे, मतलब इनटेक ज्यादा हो आउटपुट कम हो, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव बैलेंस। टोटल इनटेक इज ग्रेटर देन, टोटल इनटेक इज ग्रेटर देन टोटल आउटपुट। अगर आपका इनटेक ज्यादा है आउटपुट से तो उसको बोलेंगे अपन क्या, वी आर कॉलिंग दैट पॉजिटिव बैलेंस। एंड नेक्स्ट वन इज योर नेगेटिव बैलेंस। व्हाट डू यू मीन बाय द नेगेटिव बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस क्या है, नेगेटिव बैलेंस, व्हाट इज नेगेटिव बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस से आप क्या समझते हैं। तो नेगेटिव बैलेंस का मतलब है जब आउटपुट ज्यादा हो इनटेक से, टोटल आउटपुट इज ग्रेटर देन, टोटल आउटपुट इज ग्रेटर देन टोटल इनटेक। अगर इनटेक से आउटपुट ज्यादा है तो उसको बोलेंगे अपन नेगेटिव बैलेंस। इज दैट क्लियर। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि इक्वल बैलेंस क्या है, पॉजिटिव बैलेंस क्या है और नेगेटिव बैलेंस क्या है। अब चलते हैं, ये तो अभी तक जो बातें करी मैंने, बॉडी फ्लूइड की बात करी, ऑस्मोलिटी की बात करी मैंने, फिर आप क्लासिफिकेशन सारा बता दिया, उसके बाद आपको फ्लूइड इनटेक आउटपुट और फिर हमने जो बात करी वो बैलेंस की बात करी। अब जो बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ फ्लूइड इम्बैलेंस। फ्लूइड इम्बैलेंस कब होता है तो उसकी बात कर लेते हैं। चलिए तो अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज फ्लूइड इम्बैलेंस। व्हाट इज फ्लूइड इम्बैलेंस, फ्लूइड इम्बैलेंस, चलिए फ्लूइड इम्बैलेंस की तरफ चलते हैं। फ्लूइड इम्बैलेंस का मतलब क्या है, फ्लूइड इम्बैलेंस, फ्लूइड इम्बैलेंस में दो बातें हैं, या तो डिहाइड्रेशन होगा या ओवर हाइड्रेशन। फ्लूइड इम्बैलेंस
दो तरीके का, या तो डिहाइड्रेशन या ओवर हाइड्रेशन। तो दो बातें याद रखनी इम्बेलेंस में, एक है आपका इम्बेलेंस, मैं एक तो है आपका डिहाइड्रेशन एंड ओवर हाइड्रेशन, फ्लूड वॉल्यूम एक्सेस एंड फ्लूड वॉल्यूम लॉस, फ्लूड वॉल्यूम लेस लॉस, फ्लूड वॉल्यूम लॉस, फ्लूड वॉल्यूम लॉस जिसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन इज दैट, एंड फ्लूड वॉल्यूम एक्सेस, फ्लूड वॉल्यूम एक्सेस, फ्लूड वॉल्यूम एक्सेस। और फ्लूड वॉल्यूम एक्सेस का मतलब क्या होता है? फ्लूड वॉल्यूम एक्सेस का मतलब होता है ओवर हाइड्रेशन, ओवर हाइड्रेशन इसका मतलब है ओवर हाइड्रेशन, ओवर हाइड्रेशन। एक है एक्सेस, दूसरा है डेफिशिएंसी। ओवर हाइड्रेशन में फ्लूड बॉडी के अंदर ज्यादा होता है, डिहाइड्रेशन में बॉडी के अंदर फ्लूड कम होता है। अब यहां बहुत प्यारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो लेके चलते हैं फ्लूड वॉल्यूम लॉस, या जिसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। चलिए अब डिहाइड्रेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट समझिएगा, फ्लूड वॉल्यूम डिहाइड्रेशन। चलिए अब चलते हैं हम डिहाइड्रेशन की तरफ, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेस फ्लूड वॉल्यूम लॉस। अगर बॉडी में फ्लूड वॉल्यूम लॉस ज्यादा हो, मोर फ्लूड वॉल्यूम लॉस, ज्यादा से ज्यादा बॉडी से फ्लूड वॉल्यूम लॉस हो, ठीक है, मतलब फ्लूड लॉस इज ग्रेटर देन फ्लूड इनटेक। जितना हम इनटेक नहीं ले रहे उससे कई गुना ज्यादा लॉस हो रहा है, तो उसको बोलते हैं अपन डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की बात करें तो डिहाइड्रेशन, या इसको बोलेंगे अपन क्या, हाइपोवोलेमिया, हाइपोवोलेमिया मतलब कि बॉडी के अंदर वॉल्यूम जो है फ्लूड का कम हो जाए, तो उसको बोलते हैं हाइपोवोलेमिया। तो हाइपोवोलेमिया या आप कह दो डिहाइड्रेशन, ठीक है, हाइपोवोलेमिया या आप कह दो डिहाइड्रेशन। अब यहां पे समझिएगा डिहाइड्रेशन या हाइपोवोलेमिया क्या है, इसकी बात करेंगे। तो हाइपोवोलेमिया की जब बातें करते हैं बच्चों, जब हम हाइपोवोलेमिया की बातें करते हैं तो हाइपोवोलेमिया में आपको याद रखना है जो डिहाइड्रेशन तीन प्रकार का होता है, एक होता है आइसोटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक और एक होता है हाइपरटोनिक। यहां पे समझिएगा डिहाइड्रेशन के बहुत सारे कारण हैं। डिहाइड्रेशन के अगर हम बात करें, कारणों पे चर्चा करें, तो कारण क्या क्या है, कारण समझिएगा, कारण क्या क्या है, एटियोलॉजी क्या है डिहाइड्रेशन की। तो एक तो ट्रॉमा, ट्रॉमा और ट्रॉमा की वजह से ब्लीडिंग ज्यादा हो, एक्सेसिव ब्लीडिंग, ट्रॉमा की वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग। दूसरा वॉमिटिंग, दूसरा वॉमिटिंग। नेक्स्ट डायरिया, डायरिया डिसेंट्री, डायरिया। नेक्स्ट तो ट्रॉमा हुआ, वॉमिटिंग हुआ, डायरिया हुआ, एक्सेसिव स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग, स्वेटिंग ज्यादा है, ठीक है, एक्सेसिव स्वेटिंग। और एक्सेसिव स्वेटिंग कब आ सकती है, जैसे फीवर, फीवर में एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकती है, फीवर। देन योर डायबिटीज, डायबिटीज मेनली कीटोएसिडोसिस, डायबिटीज इंसिपिडस, है ना, डायबिटीज इंसिपिडस, इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस।
कीटोएसिडोसिस। इसके अलावा कई बार हम डायुरेटिक्स लेते हैं, डायुरेटिक्स जो पेशाब बनाने वाली दवाइयां हैं, जैसे लैसिक्स हैं, टॉर्सेमाइड्स हैं, है ना, डाइटॉर, टॉर्सेमाइड, लैसिक्स, क्रोसेमाइड, ये जो मेडिसिन्स हैं ये यूरिन को बढ़ा देती हैं। और कई बार कम पानी पीना, लेस वाटर इंटेक। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं किसके, दीज आर द सम कॉजेज ऑफ योर डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन या हाइपोवोलीमिया, जिसके अंदर फ्लूड वॉल्यूम लॉस ज़्यादा हो और इंटेक कम हो, तो ऐसी कंडीशंस को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगली बात कर लेते हैं। अब अगर हम बात करें डिहाइड्रेशन की, तो कितने प्रकार के डिहाइड्रेशन होते हैं, टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेशन। अगर हम बात करें टाइप्स की, तो टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेशन में आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन पहली जो बात करेंगे, वो हम बात करेंगे आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन का मतलब ये है कि जो हमारा ये सेल है और ये ECH है, ये आपका ECH है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो अब यहाँ पर ECF अगर आपका आइसोटोनिक बना रहता है, मतलब फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट लॉस बराबर लॉस होते हैं, इक्विवेलेंट लॉस ऑफ फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट, जितना फ्लूड लॉस हो रहा है, जैसे एक लीटर फ्लूड है उसमें 270 मिलीओस्मोल होते हैं, तो एक लीटर फ्लूड लॉस हो रहा है और साथ साथ 270 मिलीओस्मोल आपके इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहे हैं, तो फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट दोनों का लॉस इक्विवेलेंट हो, जितना फ्लूड लॉस हो रहा है उसी के रेस्पेक्ट में उतने ही इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। तो आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन का मतलब है फ्लूड लॉस एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस, ये फ्लूड लॉस है और ये आपका इलेक्ट्रोलाइट लॉस है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस। अगर ये दोनों बराबर लॉस हो, अगर ये दोनों बराबर इक्विवेलेंट लॉस हो, तो इसको बोलते हैं आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। फ्लूड लॉस इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रोलाइट लॉस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। तो यहां पर एक ही लाइन लिखूंगा, फ्लूड लॉस इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रोलाइट लॉस, फ्लूड लॉस इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रोलाइट लॉस, इलेक्ट्रोलाइट लॉस। तो ऐसे को बोलेंगे अपन आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। और इसके अंदर नो वेरिएशन इन सेल साइज, सेल की साइज में कोई वेरिएशन नहीं होगा, सेल पहले जैसी थी वैसी की वैसी बाद में भी रहेगी, नो वेरिएशन इन सेल साइज, सेल की साइज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह है आपका आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। और एक अंतिम बात, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन इज ट्रीटेड विद आइसोटोनिक फ्लूइड। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन को अपन आइसोटोनिक फ्लूइड से ही ट्रीट करते हैं। दूसरी बात समझिएगा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो है हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। और अगर आप हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन को समझेंगे बच्चों, तो यहां पर फ्लूड जो है वो हाइपोटोनिक होता है, और हाइपोटोनिक तब होगा जब इलेक्ट्रोलाइट बॉडी से ज़्यादा निकल जाए और अंदर फ्लूड ज़्यादा बच जाए, इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा लॉस हो, तो इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस एक्सेस होगा एज कंपेयर टू फ्लूड लॉस। तो फ्लूड, हालांकि लॉस फ्लूड का भी हो रहा है, बट उसके कंपेरिजन में इलेक्ट्रोलाइट लॉस ज़्यादा हो, इलेक्ट्रोलाइट लॉस ज़्यादा हो, फ्लूड लॉस कम हो, इलेक्ट्रोलाइट का लॉस तो ज़्यादा हो और फ्लूड का लॉस भी हो रहा है लेकिन वो उसके रेस्पेक्ट में कम हो, तो इलेक्ट्रोलाइट लॉस इज ग्रेटर देन फ्लूड लॉस, उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। इलेक्ट्रोलाइट लॉस इज ग्रेटर देन
ग्रेटर देन फ्लूइड लॉस। इसको हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोलाइट लॉस अगर आपका ज्यादा है फ्लूइड लॉस के कंपैरिजन में, तो इसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। तो जिसे आपको याद रखना है, तो ये कौन सा हो गया, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। और आपको याद रखना है, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि जो ये आपकी सेल थी, ठीक है, बट ये फ्लूड हाइपोटोनिक हो गया, और फ्लूड हाइपोटोनिक हुआ तो सेल के अंदर फ्लूड जाएगा और ये सेल साइज में बड़ी हो जाएगी। तो सेल की साइज में वेरिएशन होगा, पहले सेल छोटी थी बाद में सेल बड़ी हो जाएगी। और ये जिपमेर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, ये जिपमेर के अंदर पूछा गया कि अगर किसी पेशेंट को हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन है तो उस पेशेंट की सेल की साइज में क्या वेरिएशन होगा। तो हाइपोटोनिक वेरिएशन के अंदर सेल स्वेल्स अप, सेल की साइज जो है वो फूल जाती है। तो यहाँ पर बच्चों जो याद रखनी है, सेल स्वेल्स अप, सेल स्वेल अप फूल जाती है, स्वेल्स अप फूल आई, जैसे फूल जाएगी हाइपोटोनिक में सेल फूल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर एक अंतिम लाइन याद रखनी है, आइसोटोनिक हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन क्रिएटेड विद हाइपरटोनिक फ्लूड। जो आपका हाइपरटोनिक फ्लूड है, हाइपरटोनिक फ्लूड ये चाहिए फॉर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के लिए हमें हाइपरटोनिक फ्लूड की जरूरत है। ये सिंपल सी बात याद रखनी है, इसको गलत नहीं करना है बच्चों। और पूजा गडेमी, ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि आइसोटोनिक हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक में आइसोटोनिक से ही ट्रीट करते हैं क्योंकि हमें फ्लूड आइसोटोनिक ही रखना है, या फ्लूड हाइपोटोनिक हो गया है उसको वापस बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए हम हाइपोटोनिक फ्लूड देते हैं। तो दो बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अगली बात को सुनिएगा, अगली जो इंपॉर्टेंट बात, पहला मैंने आइसोटोनिक बताया, दूसरा मैंने हाइपोटोनिक बनाया, अब तीसरे पे चलता हूं। तीसरा है आपका क्या, दैट इज हाइपरटोनिक। अब इस बात को समझिएगा, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। तो हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन में आपको याद रखना है क्या, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन के अंदर आपको सिंपल सी बात याद रखनी है क्या, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन के अंदर यहाँ पर ये फ्लूड लॉस और ये इलेक्ट्रोलाइट लॉस। अब फ्लूड लॉस ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोलाइट लॉस, इलेक्ट्रोलाइट लॉस के कंपैरिजन में फ्लूड लॉस ज़्यादा है। और ऐसी सिचुएशन के अंदर, ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा, ऐसी सिचुएशन के अंदर दिस फ्लूड बिकम वॉट, हाइपरटोनिक। इसलिए इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, इसलिए इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। और यहां समझिएगा, अब ये सेल पहले ये थी, और जब ये फ्लूड हाइपरटोनिक होगा तो सेल से पानी, जैसे हम भी मीठा खाते हैं तो हमारी इच्छा होती है पानी पीने की, ये सेल से पानी को निकालेगा एंड दिस सेल बिकम शंक, सेल जो है वो आपकी श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन में क्या याद रखना है, फ्लूड लॉस इज ग्रेटर देन, फ्लूड लॉस इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोलाइट लॉस, इलेक्ट्रोलाइट लॉस, ठीक है, फ्लूड लॉस इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोलाइट लॉस। फ्लूड लॉस जो है वो इलेक्ट्रोलाइट लॉस से ज्यादा होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सेल श्रंक्स, सेल जो है वो सिकुड़ जाएगी, सेल श्रंक, श्रंकन मतलब सिकुड़ जाएगी। ये क्वेश्चन जिपमेर में, इनमें से हाइपरटोनिक और इससे आए हुए हैं सिकुड़ना, ठीक है। और उसके बाद है, अब ये हाइपरटोनिक है तो ट्रीटमेंट के लिए हाइपोटोनिक यूज करेंगे, कौन सा फ्लूड यूज करेंगे, तो हाइपोटोनिक फ्लूड, हाइपोटोनिक फ्लूड, हाइपोटोनिक फ्लूड फॉर ट्रीटमेंट, फॉर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के लिए हम हाइपोटोनिक फ्लूड यूज करेंगे। तो ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए, तो ये मैंने बताया आपको क्या, हमने सिंपल सी बात करी, व्हाट इज द आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन,
व्हाट इज द हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन एंड व्हाट इज द हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। तीन बातें करी, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों से क्वेश्चन आते हैं, तीनों के ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज करते हैं, ये भी हमने सारी बातें कर ली। अब यहां समझिएगा हम डिहाइड्रेशन को कैसे डायग्नोस करेंगे। तो डिहाइड्रेशन को डायग्नोस करने के लिए हमारे पास कौन कौन से टूल्स हैं, तो एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या क्या साइन मिलेंगे देख लो, साइन की अगर हम बात करें, साइन एंड सिम्टम्स की, तो साइन एंड सिम्टम्स आपको क्या क्या मिलेंगे डिहाइड्रेशन में। एक तो आपको याद रखना है सनकन फॉन्टेनियल्स, जो सनकन आई मतलब आंखें जो है वो धसी हुई रहती है, सनकन आई, ठीक है। उसके बाद आपका रैपिड पल्स, हाइपोटेंशन, पल्स रैपिड ज्यादा हो तो उसको क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया। और फ्लूइड बॉडी में ऑलरेडी कम है तो पेशेंट को क्या होगा, हाइपोटेंशन। के बाद ऑलिग्यूरिया, यूरिन आउटपुट कम होगा, ऑलिग्यूरिया। ड्राई लिप्स कोटेड टंग। उसके बाद आपको याद रखना है डिलेड स्किन टर्गर, जो स्किन टर्गर है, ये स्किन जिसे मैंने पिंच कर रखी है, जैसे हटाऊंगा तो ये वापस पहुंच गई, तो उसको स्किन टर्गर बोल, और ये स्किन धीरे धीरे आती है, दैट इज योर डिलेड स्किन टर्गर, इसको बोलते हैं अपन डिलेड स्किन टर्गर, लेटर साइन ऑफ डिलेड स्किन टर्गर। उसके बाद डिप्रेस्ड फॉन्टेनियल, फॉन्टेनियल्स जो है बच्चों के अंदर वो अंदर की तरह दसे होते हैं, डिप्रेस्ड फॉन्टेनियल्स, ये बात भी आप अच्छे से याद रखेंगे, इसको गलत नहीं करेंगे। तो ये बच्चों कुछ बेसिक बातें हैं जो साइन हमें डिहाइड्रेशन के अक्सर मिलते हैं, उनकी बातें करेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑलरेडी बता दिया, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन इज ट्रीटेड विद आइसोटोनिक फ्लूइड, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, तो कौन सा फ्लूइड यूज करेंगे ट्रीटमेंट के लिए, आइसोटोनिक फ्लूइड। हाइपोटोनिक के लिए हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन के लिए हाइपरटोनिक फ्लूइड। और तीसरा और अंतिम है हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन के लिए कौन सा यूज करेंगे, हाइपोटोनिक फ्लूइड। तो ये बातें करी मैंने डिहाइड्रेशन, हाइपोटोनिक फ्लूइड। तो आज जो हमने बात करी दैट इज अबाउट, आज जो मैंने बात करी वो बात करी बॉडी फ्लूइड की बात करी, और बॉडी फ्लूइड के साथ साथ मैंने बता दिया डिहाइड्रेशन। तो दोनों ही टॉपिक मज़ेदार थे, शानदार थे, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो बच्चों इसको थोरो जाना, पूरा अच्छे से वीडियो को देखना, एक एक पॉइंट को आप लिख के रखिएगा, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव पर्पस के लिए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, चाहे बॉडी फ्लूइड हो, चाहे आपका बैलेंस हो, चाहे आपका इम्बैलेंस हो, हर भाग से आपका हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर एक से दो क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अब लेते हैं विदा, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, ग्रेट टाइम ग्रेट डे।